फर्स्ट क्लास ट्रेन का एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने बुक कराई थी फ्रॉम कैंडी टू नवारा एलिया। फ्रॉम कैंडी टू नानू ओया बहुत सुपर जर्नी है। आज मैं आपको इंडिया के जीते जागते आर्यभट्ट से मिलवाना चाहता हूँ। ये है बजट ट्रैवलिंग, ट्रेन बुक कराइए फर्स्ट क्लास और ब्रेकफास्ट कर रही है ब्रेड जैम घर से ला के। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और अभी तो है हम कैंडी में, बट यहाँ से हम निकलने वाले हैं एक और बहुत ही सुंदर जगह जिसका हम आपको ट्रेन का सफर दिखाएंगे। मगर उधर जाने से पहले एक चीज आपको दिखा दें, ये है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट जो कि हमारे बीएनबी में इंक्लूडेड नहीं है, मगर ये हमने बनाया अपने हिसाब से। वाटरमेलन ब्रेड जैम साथ में चाय और साथ में व्यू देखो आप पहले नजर मारो। अगर आपका मन है श्रीलंका में टुक टुक चलाने का तो टुक टुक रेंटल डॉट कॉम से आप टुक टुक ले सकते हैं और आप बन सकते हैं थ्री व्हीलर वाले। तो वैसे तो हमें जाना था कैंडी रेलवे स्टेशन क्योंकि हमारी ट्रेन अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की वहां से है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, वो है नुवारा एलिया जहाँ पर सीता माता को रखा गया था, वहाँ पर अशोक वाटिका है। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन वहाँ का है और हम लोग जाएंगे ट्रेन से फ्रॉम कैंडी टू नुवारा एलिया। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ कि हमने ट्रेन कैसे बुक करी, कहाँ से बुक करी, वो भी आपको आने वाले कुछ मिनटों में पता चल जाएगा। हाँ जी, तब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली हम दो दिन से बहुत ज्यादा भाग रहे थे और रात में ही या शाम में ही हम कैंडी पहुंच रहे थे, तब तक लेक का व्यू ना मुझे देखने को मिलता था और मैं आपको तो क्या ही दिखाती। तो इसलिए हमने सोचा कि हम कुछ अराउंड एक घंटा पहले निकलते हैं अपने बीएनबी से और मॉर्निंग में कैंडी लेक का व्यू लेते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे कैंडी रेलवे स्टेशन जो कि यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। तो अभी हम देखते हैं हल्का सा प्यारा सा व्यू क्योंकि हो गया है सनराइज। पदकते पदकते हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन और बड़े अच्छा सा लग रहा है यार, ऐसे छोटे से टाउन में है, ग्रीनरी ग्रीनरी, सुंदर सा स्टेशन, काफी मजा आ रहा है यार। ये तो बहुत जबरदस्त बना रखा है, देखो नेक्स्ट ट्रेन कब आने वाली है, कहाँ की, बदुल्ला की, कोलंबो फोर्ट की, अलग अलग जगह की। और फिर यहाँ स्टैटिक घड़ियाँ बना रखी हैं तो घड़ियों में टाइम लगा दिया और बता दिया कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। वेरी नाइस यार, ये तो मतलब पुराने जमाने में ऐसे चलता था, काफी मस्त लग रहा है यार ये तो। आज मैं आपको इंडिया के जीते जागते आर्यभट्ट से मिलवाना चाहता हूँ। इस आर्यभट्ट ने मुझे रेट बताया 1 Indian rupees = 3.75 श्रीलंकन रुपया, फिर आर्यभट्ट ने कन्वर्ट किया 100 श्रीलंकन रुपया को, कहते 37.5 इंडियन रुपीज हो गए। देख लीजिए आप आर्यभट्ट। और वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैडम के मैथ्स में 98 नंबर आए थे 10th क्लास में। हाथ तो हटाओ मैडम, 98 आए थे, दो नंबर कटे थे ना, इसी बात के कटे थे वो, हाँ, तो इसी बात के कटे थे कि हाँ, तो श्रीलंका में जाके कन्वर्जन गलत करेगी। अच्छा, आज की डेट में अभी हमने चेक करा जो कन्वर्जन है वो सीधा सीधा चार हो गया, तो अब अच्छा बताना 100 श्रीलंकन रुपए श्योर है। वाह रे भट्ट जाग गया। ट्रेन टू कैंडी, पुटी ने ये वाली तो फर्स्ट क्लास करा दी भाई, क्या बात है। फर्स्ट क्लास ट्रेन का एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने बुक कराई थी फ्रॉम कैंडी टू नुवारा एलिया। सो नुवारा एलिया डायरेक्ट तो कोई ट्रेन स्टेशन नहीं है, स्टेशन का नाम है नानू ओया, वहाँ हम उतरना पड़ेगा, वहाँ से फिर हम टिक टुक करेंगे और नुवारा एलिया जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास एसी का मैं आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू दे देती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर बॉटल स्टैंड भी है, ठीक है, फ्लाइट की तरह ये ऐसे भी आ जाती है आपके, आराम से मस्त बढ़िया खाना खाओ, सबसे बड़ी बात एसी है, ठीक है। और ये है फुटरेस्ट, ये आराम से आप अपने पैर रखो। और ये देखो जरा, ये चेयर भी आगे पीछे हो जाती है बढ़िया तरीके से, ठीक है, यहाँ पर भी। और ये जो है ये 2x2 है, जब जो थर्ड एसी थी, जो थर्ड क्लास थी वो थी 3x2 और ये वाली है 2x2। एक इसमें जो मेरे को जो नेगेटिव पॉइंट जो लग रहा है वो ऑब्वियसली वो एसी है, तो
इसकी जो विंडोज हैं ये ओपन नहीं होती है, तो अगर मेरे को बाहर का व्यू लेना है तो वो मैं नहीं ले पाऊंगी। ऑब्वियसली मेट में आगे तो जरूर जा ही सकती हूँ। ठीक है जी, तो ये था फर्स्ट क्लास एसी का वॉक थ्रू। और ऊपर अगर आप ये स्पेस एरिया पे देखोगे ना, तो अच्छा बड़ा स्पेस एरिया, देखो हमारा इतना बड़ा बैग आ गया उसके अंदर, तो बढ़िया है। सामने स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें श्रीलंका की सारी चीजें चल रही है, उनके मॉन्यूमेंट्स, ये सारा एक वॉक थ्रू दे रहे हैं ये लोग भी अपने बारे में। सो फार सो गुड। और एक और चीज़, यहाँ पर आपको मोस्टली जो है ना वो अंग्रेज ही दिखेंगे या हमारी तरह टूरिस्ट ही दिखेंगे। लोकल लाइट जितने भी हैं या तो वो अनरिजर्व्ड वाले में है या तो फिर वो थर्ड रिजर्व वाले में है। एक और चीज़ है, एक एक्सपीरियंस हो गया हमारा थर्ड क्लास का, एक एक्सपीरियंस, थैंक यू, एक एक्सपीरियंस हो गया हमारा थर्ड क्लास का, एक एक्सपीरियंस हो गया हमारा फर्स्ट एसी का, और अब तीसरा एक्सपीरियंस आपको दिखेगा अनरिजर्व्ड का, क्योंकि नानू ओया से एला की जो ट्रेन की जो जर्नी है वो हमें टिकट नहीं मिली क्योंकि वो पहले से ही बुक हो गई थी। और जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, वो बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट जर्नी है पूरे श्रीलंका की या पूरे एशिया की, आप मान सकते हैं उसे। तो हम लोग जो है उसमें जाएंगे, हम छुप छुप गाड़ी में जाएंगे और हम अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे, तो आपको हम तीनों के मज़े दिलाएंगे और हम भी मज़े करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें और हैं जो मेरे से मिस होगी, एक तो ये देखो ऊपर लाइट लगी हुई है, रीडिंग लाइट, ठीक है, और ये दूसरा आप यहाँ पर देखोगे तो ये हेडफोन, यहाँ पर देखोगे तो ये हेडफोन जैक का स्पेस बना रखा है और वॉल्यूम अप एंड डाउन पॉइंट है। भाई अरुण ने अभी मेरे को बताया कि जो टीवी में चल रहा है वो यहाँ सुनाई देगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा, बट हमारे पास ये 3.5 एमएम जैक के हेडफोन्स है नहीं तो हम वो नहीं चेक कर सकते। चलो पीटी भैया आ गए, एक बार उनको टिकट दिखाते हैं। एक दो एक्स्ट्रा चीज और है कि एक तो ये लाइट है और पीछे भी इन्होंने स्क्रीन लगा रखी है ताकि आप ट्रेन में चलते चलते सुंदर सुंदर सी जगह देख के और खुश होते रहें। और दूसरा यहाँ पर जो गेट है वो ऑटोमेटेड है। ये टीटी भैया हैं, सबकी टिकट चेक कर रहे हैं। ये तो भीड़ हो गई है तो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ जो इनका ऑटोमेटेड वाला गेट है, बढ़िया है। ए, आप पुश करो खुल रहा है। सो यू प्रेस इट है, अरे वाप यहाँ खुल जाता है। तो फिर ये लॉबी खड़े होने के लिए, और ये है लेवेट्री। लेवेट्री इज सेम टू सेम, क्लियर, गुड इनफ। और वो जो सामने है ये है थर्ड क्लास, नहीं थर्ड नहीं सॉरी सेकंड क्लास है यहाँ, तो सेकंड क्लास देख लो आप। दैट्स हाउ इट लुक्स। ये भी फीचर है से घुमाने का चेयर। अच्छा ये इन्होंने इसे से पूरी की पूरी सीट घुमा भी देते हैं भाई, ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी है। हाँ तो लोग जिनको अपनी चेयर घुमानी हो ऐसे घुमा के इधर आ सकते हैं, क्या बात है। तो ये हमारी टिकट चेक करने आ गए हैं। ड्रेस बड़ी प्यारी है यहाँ के टीटीज की ना, मस्त लगते हैं एकदम ऐसे पुलिसमैन जैसे। हम भैया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक विंडो सीट दे दो क्योंकि ये बहुत ही प्यारा रूट है। अभी देखते हैं मिलते हैं नहीं मिलते हैं। इस चेकिंग फर्स्ट एसी में आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि आपको ये इधर पावर प्लग मिल जाता है, इफ यू वांट टू चार्ज यू कैन चार्ज। यहाँ की टिकट भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे आपको ये टिकट मिलेगी तो आपको ये देखना है, जो ये एम है ये आपका कोच नंबर है और जो ये है ये आपका सीट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में, अरे बड़ी हिल रही है, फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में है B35, B34। तो जब भी आप कोच के अंदर आते हो दो कंपार्टमेंट है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बी तो ये बी कंपार्टमेंट है, इसी एम का एक और आगे होगा वो ए कंपार्टमेंट होगा। तो इस तरीके से आप अपनी सीट देख सकते हैं, हमारी मोड़ी मजे ले रही है विंडो सीट पर बैठ के, जबकि हमारी विंडो है नहीं किसी और की है, जब तक कोई नहीं आ रहा मोड़ी मजे ले रही है। जो ये भैया है ब्लू शर्ट में, ये अभी समझ आया कि फर्स्ट क्लास को एक अटेंडेंट मिलता है, तो ये अटेंडेंट मिले हुए हैं, मतलब प्रिविलेज है भाई, पैसा दे रहे हो तो मजे लेके जाओ। और ये है बजट ट्रैवलिंग, ट्रेन बुक कराई है फर्स्ट क्लास और ब्रेकफास्ट कर रही है ब्रेड जैम घर से ला के, बहुत ही बढ़िया। हम आ गए गंपोला, ये वही स्टेशन है जहाँ हम गए थे अम्बुलवावा। तो अगर आप वो ऊपर चोटी पे देख रहे हैं यही है वो अम्बुलवावा, इसका मस्त ब्लॉग बनाया है, आपको जाके देखना है तो लिंक आ रहा है, देख लो जाके मजा आ जाएगा। अम्बुलवावा में वो जो टावर वॉक है ना बहुत ही आइकॉनिक है अपने आप में, हमने वीडियो बनाई, मस्त जाके देख लो। ये वही स्टेशन है गंपोला और ऊपर है अम्बुलवावा। और अभी वॉक थ्रू देने के बाद समय आ गया आपको बताने का कि आपको ट्रेन बुक कैसे करनी है अपने घर पे बैठे बैठे। तो पॉइंट नंबर वन, अभी आपको यहाँ पर एक लिंक दिख रहा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, या आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी हम आपको ये लिंक बता देंगे। जैसे आप इस लिंक पे जाएंगे आपको एक सेक्शन दिखेगा बुक योर सीट्स, सीट्स पे बुक करने के बाद आपको एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें लिखा होगा कि फ्रॉम स्टेशन डालिए, तो हमारा फ्रॉम स्टेशन है जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंडी, और फिर आएगा टू स्टेशन, तो टू स्टेशन है नानू ओया, क्योंकि नुवारा एरिया के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है,
वहाँ से जो नियरेस्ट स्टेशन जो है वो है नानू ओया। नानू ओया डालने के बाद आपको डालना है अपना डेट ऑफ डिपार्चर के बाद नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे बहुत सारी ट्रेन आ जाएंगी अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से, कितने बजे भी आपको टाइमिंग सूट करेगा आप उस पर क्लिक करना। और राइट साइड पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि थर्ड क्लास जाना है, फर्स्ट क्लास जाना है या सेकंड क्लास जाना है, तो आप अपने और उसके आगे प्राइस भी लिखा होगा, तो अपने हिसाब से बजट के हिसाब से जो भी आपको सही लगे आप वो प्राइस बुक करा लेना। हमारी ये जो फर्स्ट क्लास की जो ट्रेन टिकट है पर पर्सन की पड़ी है 2000 श्रीलंकन रुपया, जिसकी कॉस्ट आती है 500 रुपए इंडियन रुपीज। और ये जो सफर है वो आई थिंक हमारा सिर्फ 2 या 2.25 घंटे का ही है फ्रॉम कैंडी टू नानू ओया। तो ऐसे आपको अपनी ट्रेन जर्नी बुक करानी है घर पे बैठे बैठे सिर्फ इंटरनेट के साथ। और आपको ट्रेन जर्नी में से प्यारे प्यारे हॉकर्स भी मिल जाएंगे जो कुछ खाने पीने का सामान बेच रहे होंगे। और ये हमारे से साथ वाला कोच है जहाँ पर ये लोकल श्रीलंकन मस्त अपना कराओके सिस्टम लगा के एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। मन तो कर रहा है मैं भी इनसे माइक ले लूँ और गाना शुरू कर दूँ। तो अभी आया है एक बड़ा ही प्यारा सा स्टेशन, एक्चुअली जो एरिया है ना क्या नाम है इसका, रोजेल। चल सिटी में जा रही तो बहुत ही प्यारा ट्रेन है ये, जो इसकी जर्नी है फ्रॉम कैंडी टू नानू ओया, बहुत सुपर जर्नी है। एक्चुअली अगर आप आते हो ट्रेन से तो ये जब आप बुक कर रहे हो ना तो आपके हाथ में वो ट्रेन सीट नंबर नहीं होता, रैंडमली जनरेट होती है IRCTC की तरफ। बट अगर आपको कोई ऐसी टिकट मिले तो प्रेफर करना कि आपको राइट हैंड साइड में ही आपको टिकट्स जो सीट है वो आपको मिले, क्योंकि जो जितना भी मसाला है ना पूरी सीनरी का वो सारा राइट हैंड साइड भैया नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्यूज भी करके हटा देना। बहुत एडजस्टिंग लोग होते हैं, समझ रहे टूरिस्ट ही है और वो हट जाएंगे। बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये स्टेशन पर रुक रही है, बट मल्टीपल स्टेशन है इसमें। ओवरऑल अभी तक की जो जर्नी है नुआरा एरिया तक के लिए, मतलब नानू ओया तक के लिए, वो काफ़ी अमेजिंग है। आई एम होपिंग कि नानू ओया से जो हमारी एला की जर्नी होगी वो और भी अमेजिंग होगी, बट हमारे पास रिजर्व टिकट नहीं है तो देखेंगे कैसा होता है। बट अभी तक तो आप इस सीनरी का मजा उठा हो। और जो ये आप सामने वाटरफॉल देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सेंट क्लेयर वाटरफॉल, जो कि श्रीलंका का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस माना जाता है। देखने में तो मस्त लग रहा है। तो लगभग 4 घंटे की ट्रेन जर्नी के बाद अब हम उतरने वाले हैं, आ गया है नानू ओया। और ये पीछे भैया जो है ये टेरी, ये सिंगापुर से है, ये बड़ा ही मजेदार बंदा है। तो हमारी मोड़ी को कल की चिंता हो गई और ये प्लानिंग में लग गई है कि हम नानू ओया से एला कैसे जाएंगे। सो अनरिजर्व टुमारो ओनली, ओके। सो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास नथिंग इज अवेलेबल। भाई हम लोग जैसे ट्रेन से उतरे हमने वहाँ ऑटो कर लिया है, क्योंकि अभी हम कहाँ उतरे हैं, अभी हम लोग उतरे नानू ओया जो कि ट्रेन स्टेशन है, नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन टुवर्ड्स नुआरा एरिया। और अब हम लोग जाएंगे नुआरा एरिया बाय करेक्ट। और हमारे साथ है टेरी भाई, ने भी शेयर कर लिया है टुक टुक, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं नुआरा एरिया, तो हमने कहा भी थोड़ा सही पड़ जाएगा, उसको भी बेनिफिट हो जाएगा। और ये जिस हम होटल में जा रहे हैं ये booking.com से मैंने बुक करा है, इसके रिव्यूज काफी अच्छे थे, तो लेट्स सी कि कैसा होता है, क्या रिव्यूज में वो परखा जाता है ढंग से या नहीं। ओके, तो अभी ये टुक टुक राइड आपको दिखाते हैं फ्रॉम नानू ओया टू नुआरा एरिया। तो 20-25 मिनट की ऑटो राइड के बाद जिसने हमसे ली 900, उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं अपने होटल में, जो है नाम पाइनवुड, रूम का नाम पाइनवुड है, रूम का नाम है पाइनवुड। चलो आपको एक बार रूम टूर देते हैं, फिर काफी अच्छी प्रॉपर्टी लग रही है, बड़ा सा सुंदर सा, एक मिनट दिखाते हैं अंदर से। तो ये है हमारा छोटा सा बड़ा सा रूम, छोटा सा बड़ा सा, या तो छोटा है या बड़ा है, छोटे से बड़ा सा मतलब कि एक मीडियम साइज का रूम है जहाँ पर दो अच्छे खासे बड़े डबल बेड है, साइड में वो एक टेबल है, और ये देखिए एक साइड टेबल ये रहा, और ये ना छोटा सा डाइनिंग टेबल, बड़ा ही क्यूट सा है रूम। अच्छा ये बाहर की इनकी प्रॉपर्टी, वॉशरूम आ जाते हैं एक बार। वाह किसी ग्राफिटी से रखी, कहाँ से चलेगा,
तो ये ग्राफिटी सी रखी है रूम में, अच्छा लग रहा है ना? वॉशरूम में, वॉशरूम में बढ़िया लग रहा है रूम तो। इस साइड साइड में वुडन आर्टिफैक्ट से लगा रखे हैं, इधर सजाने के लिए दारू पियो यहाँ उल्टी करके टांग दो। हाँ, और इसकी जो कॉस्ट है वो मेरे को पड़ी है 1220 इंडियन रुपीस, मैंने बुक कराया था booking.com से। और इसमें वेलकम ड्रिंक इंक्लूडेड है, आपको चाय पीनी है या कॉफी पीनी है। दूसरा, इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान है, हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और बाहर देखते हैं कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि भूख बहुत जोर से लग रही है। एंड देन विल गो आउट टू सीता अमन टेम्पल, जो कि एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है जिसका रिलेशनशिप है रामायण से। तो हिस्ट्री आपको रास्ते में बताएंगे। और ये हमने खरीद लिए थे सुपरमार्केट से ब्रेड, ये हमारे पास है बटर, तो अभी ब्रेड बटर खाएंगे और फिर सीता माता की अशोक वाटिका में दर्शन करने जाएंगे। तो अब अगले व्लॉग में आपको सीता माता की अशोक वाटिका के दर्शन कराएंगे, तो उसको देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको दिखाएंगे बहुत ही ज्यादा सुंदर नुवारा एलिया। पूरी श्रीलंका की ट्रिप में हमें ये सबसे ज्यादा सुंदर जगह लगी।